नमस्कार, हम रउआ सबके छोट भाई मदन कुमार यादव, मदन यादव ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब करी। सबसे पहले गाना सुने खातिर आप देख सकते हैं खेसारी भैया जी का प्रोग्राम में इतना भीड़ जुटा कि भीड़ को काबू नहीं करते हुए वहां पे आगजनी बरसने लगा, जो कि हजारों संख्या में गाड़ी जल गया। आप देख सकते हैं मदन कुमार यादव का ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग। हम जो भी रिपोर्ट करते हैं ग्राउंड जीरो से करते हैं। वहाँ जाने के लिए किसी को भी पावर नहीं है। जैसे देखिए गाड़ी जल रहा है धू धू को, आप अगर वहाँ सटिएगा तो उसका धौक से आप जल जाइएगा। बाकी हम देखिए सट के रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं भीड़ भारी संख्या में जुटा हुआ है और सबको मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहा है। आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से भैया हंसी हो रहा है। आप देख सकते हैं खेसारी भैया के स्टेज शो प्रोग्राम नेपाल में हो रहा था, जो कि कोरोना के प्रोटोकॉल के कारण प्रोग्राम नहीं हो पाया। और खेसारी भैया को नेपाल में जहां प्रोग्राम हो रहा था उससे कुछ ही दूर में होटल में रोक दिया गया नेपाली पुलिस के द्वारा। बाकी नेपाल का पुलिस जो भी किया गलत किया, क्योंकि नेपाल का सारा आदमी जो है खेसारी भैया को देखने के लिए आया था। मगर आप देख सकते हैं खेसारी भैया को दिल में रख रहा है। नेपाल में भी हजारों जनसंख्या में नेपाल का आदमी भी खेसारी भैया को बहुत मानते हैं। अगर और का जो भी होता है हम ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करते हैं। हम डरते नहीं हैं, हम सीना जोर करते हैं। आप देख सकते हैं, अच्छा देखिए एक गाड़ी है स्कॉर्पियो है, धू धू के जल रहा है। देखिए ये गाड़ी का इंश्योरेंस हुआ है कि नहीं हुआ पता नहीं, हमारे पास तो पेपर भी नहीं दिया अभी तक किसका गाड़ी जल रहा है नहीं जल रहा है। तो आप देख सकते हैं हम इसी तरह रिपोर्टिंग करते हैं एकदम ग्राउंड जीरो से। तो आप लोग इसी तरह हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपना छोटा भाई मदन को सपोर्ट कीजिए इसी तरह। और जितना जल्दी हो गए 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाए, 1 लाख फॉलोवर हो जाए। बहुत मेहनत कर रहे हैं, 5 साल से कर रहे हैं। आप लोग अपने भाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये तो गलत कर रहे हैं। अगर ढेर ध्यान नहीं दीजिएगा तो हम भी गाड़ी में कूद के जान दे देंगे। आप देख सकते हैं एकदम ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग। और जो भी होगा अगर हमारे चैनल पर किसी का भी विज्ञापन न्यूज चलाना है तो हमसे संपर्क करें। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है, जाके ले सकते हैं। और मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, डिस्क्रिप्शन में ले सकते हैं। देखिए बाप रे बाप, हजारों जनसंख्या में देखिए कुर्सी टूट गया बा, जिसका टेंट का जो स्टैंड वाला बुक किया होगा उसको तो इसमें नुकसान हो गया, फायदा ना होकर नुकसान हो गया। बारे बाप, लाखों लाख कुर्सी टूट गया है। क्यों इसलिए कुर्सी टूटा है कि वहाँ जानते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है ना फ्री का प्रोग्राम नहीं दिखला रहा था। वहाँ पे ना टिकट बुकिंग था और जो टिकट बुक किया है 300 रुपया करके तो आक्रोश होवे करेगा। तो इसीलिए वाह देखिए कुर्सी ऐसे जल रहा है जैसे लग रहा है क्या कि कहीं घूर लग गया है कचरा में। आप देख सकते हैं हम ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करते हैं, जो भी करते हैं ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करते हैं। मेरा रिपोर्टिंग अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपना भाई को सपोर्ट कीजिए। इसी तरह हम वीडियो लाते रहेंगे। और मेरा गाना भी बहुत जल्द आने वाला है होली का, तो उस गाने को भी लार दुलार प्यार दीजिएगा। और नेपाली भैया से भी निवेदन करते हैं कि नेपाली भैया जी, खेसारी भैया जी का कोई गलती नहीं था, आप ही लोग का गलती था, आप ही लोग का प्रशासन का गलती था, जो कि नेपाल में खेसारी भैया को प्रोग्राम करने के लिए नहीं दिया है। तो ये गलत किया नेपाली पुलिस। आप ने पूरा नेपाल से हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि नेपाली पुलिस से ये बात उठना चाहिए, क्यों रुके आप खेसारी भैया जी को, जो कि हम दिल में रखते हैं। अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए।